लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, नाश्ते में जरूर खाएं ज्वार का उपमा। मैं इसकी रेसिपी भी बता रहा हूं और इसके फायदे भी बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिट और हेल्दी रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार सही मात्रा में लेना बेहद जरूरी होता है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास सही से लंच और डिनर करने का सही समय नहीं होता है। ऐसे में अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी करेंगे तो दिन भर बेहतर महसूस करेंगे। खासकर सर्दियों के मौसम में आप अपने नाश्ते में ऐसे अनाजों को शामिल करें जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिले। तो मैं आपको बता रहा हूँ ज्वार उपमा खाने के फायदे। तो पहला फायदा है, ज्वार को न्यूट्रिशंस का पावर हाउस कहा जाता है। ज्वार में मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बच सकते हैं। ज्वार उपमा में मौजूद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है जिससे डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को लाभ मिल सकता है। तीसरा, ज्वार में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट के साथ इसमें मौजूद मैग्नीशियम पोटेशियम हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं जिससे हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। चौथा, ज्वार का उपमा वजन कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें कम फैट और उच्च फाइबर होता है जिससे भूख कम लगती है और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ज्वार में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व तो आपके गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। छठा, ज्वार में कई तरह के जरूरी पोषक तत्व तो होते हैं जो सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। इसमें फाइबर प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ज्वार उपमा की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट भी कर लें और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। उपमा बनाने के लिए, ज्वार उपमा बनाने के लिए आपको दरदरा पिसा हुआ ज्वार का आटा 1 कप चाहिए। इसके साथ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, भुने हुए मूंगफली के दाने, हींग 1/4 चम्मच, राई 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते 5, 1 नींबू का रस 1 चम्मच, 1-2 टेबल स्पून जरूरत के अनुसार पानी और नमक स्वाद अनुसार। नमक अगर आप काला नमक डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ सबको बोलता हूँ कि व्हाइट नमक अवॉइड करें, काला नमक खाएं, हेल्थ के लिए अच्छा है, जबकि सफ़ेद नमक हेल्थ के लिए ख़राब है। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ज्वार का दरदरा आटा हल्का भून लें। जब आटे को निकाल कर इस कढ़ाई में तेल डालें और फिर राई हींग उड़द दाल कड़ी पत्ते डालें। इसके बाद प्याज और अदरक डालें और जब प्याज भून जाए तो इसमें टमाटर मिलाएं और सभी मसाले भूनने के बाद इसमें रोस्ट किया हुआ ज्वार का आटा डालकर 1 बार चलाएं और फिर ज़रूरत के अनुसार पानी और नमक डालकर पकाएं। उपमा तैयार होने के बाद इसमें मूंगफली के दाने और नींबू का रस डालकर खाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।